हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इरफान हैदर और आप देख रहे हैं इरफान हैदर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेबल को कैसे प्रिंट करते हैं पाइथन कोडिंग में। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक में चलने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी पहले से टाइप किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं इसको और डिस्कस करूंगा इस प्रोग्राम को, फर्स्ट प्रोग्राम को। तो पहले हमारे पास नम है, नम मतलब नंबर, ये हमारे पास वेरिएबल है, हमारा हमने वैल्यू असाइन की है। तो फिर हमने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप एक स्पेसिफिक रेंज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 से लेकर 11 तक रेंज दिया है, तो ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी क्योंकि स्पेसिफिक रेंज के लिए हमने यूज किया है। तो हमने फिर प्रिंट का फंक्शन लगाया, प्रिंट इन नंबर। नंबर क्या है हमारे पास 12 है और ये एक्स नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये एक मल्टीप्लीकेशन बाई आई, आई की वैल्यू प्लस 12 से स्टार्ट हुई, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। तो पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम को। तो ये आप देख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 12, मतलब नम मल्टीप्लाई बाई आई। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है इसको तो फिर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने खुद से डिफाइन किया, ये अब हम यूजर से लेंगे इसको। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है वो यूजर इनपुट है। तो पहले हमने एन, हमारे पास आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, और हमने एन लिया है। तो हमने एन लिया है, इंटीजर वैल्यू लिए, यूजर से इनपुट किया। यूजर को क्या कहा है हमने कि इनपुट अ नंबर, यूजर कोई भी नंबर इनपुट कर सकते है। फिर ये जो है ये लाइन हम कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये प्रिंट नहीं होता, कोई भी मसला नहीं होता इसमें, तो इसमें कोई भी मसला नहीं होता। तो फिर हमने फॉर लूप लगाया है स्पेसिफिक रेंज के लिए 1 से लेकर 11 तक। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एन वही है जो नंबर यूजर इनपुट करेगा मल्टीप्लाई बाय 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा इस तरह। फिर इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 1 यूजर इनपुट नंबर मल्टीप्लाई बाई 1, 2, 3, 10 तक जाएगा। तो इसको रन करते हैं। रन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 6 का प्रिंट करना चाहता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये 10 तक जाएगा क्योंकि हमने रेंज 1 से लेकर 11 तक दे, तो ये 10 तक रेंज जाएगा क्योंकि आप देख सकते 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6। तो ये आप देख सकते, कोई भी टेबल इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।